11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग यहां पर चेंज करें, इतिहास दोहराएंगे या ना बनाएंगे। 2017 में बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, सीट पर जीत मिली थी, और 2017 में यहां पे ये थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, वो 2012 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उसको करेक्ट करना चाहूंगा, वो गलत थोड़ा सा, वो 2012 का ग्राफ पॉइंट था, ये यहां पर 2012 है, मैं इसको चाहूंगा इसको करेक्ट करके आपको इसके बाद दिखाऊंगा। मैं सीधे चलूंगा, हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये ग्राफिक्स और जो हमारे पास जो अभी तक के शॉट्स आ रहे हैं उसके साथ सीधे चलूंगा। हर्षवर्धन जी, अभी तक का जो वोटिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? क्या यह दिखा रहा है कि लोग उत्साहित हैं? क्या यह दिखा रहा है कि लोगों में एक विश्वास है अभी कि वो और जमकर वोटिंग करेंगे? मेरे साथ दिनेश जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। हर्षवर्धन जी बताइए। देखिए निशान जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि मेरा भी नोएडा में वोट था, तो मैं भी अपना सुबह सुबह गया, तो आप सब लोग भी मतदान करें जिनका है अभी तक, जिन्होंने वोट नहीं किया है। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है वो बीच में लगा था कि शायद पिछले साल से कुछ कम रह जाएगा, लेकिन अभी का जो वोटिंग पैटर्न है वो ये दिखा रहा है कि पिछले साल से ज्यादा मतदान हो सकता है, ऐसा अभी तक जो है, अगर वो, क्योंकि अभी बहुत समय है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और अंत में दिखता है कि जो लास्ट में वोटिंग वाली कतार होती है वो बहुत लंबी होती है, वो करीब 10% के आसपास वो फर्क पड़ता है। और एक चीज और समझिए निशान जी, देखिए दोनों तरफ से ताकत बहुत लगाई गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लास्ट मिनट में जो एफर्ट किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को भी लगता है कि अच्छा ठीक है, ये चरण अगर अच्छा हो गया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और डॉक्टर संजीव बालियान का वो बयान तो चल ही रहा है ना कि पछुआ हवा चलेगी तो फसल अच्छी होगी, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी राजनीतिक फसल अच्छी करने की कोशिश हो रही है, इसलिए भी मतदान प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा हो सकता है। आप जो बता रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है दिनेश जी, आपका रिएक्शन अभी तक का जो पैटर्न है या आपके जो अपने आप बकायदा आपके भी काफी सोर्सेज हैं, क्या लग रहा है कहां तक जाएगा ये वोट परसेंटेज? मुझे लगता है कि पिछली बार से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने की उम्मीद लग रही है, हालांकि कुछ जिले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो दिख रहा है, शामली बहुत अच्छा कर रहा है तो उस तरह से, लेकिन एवरेज जब निकालेंगे तो बहुत ज्यादा 65 तो नहीं पार कर रहा है, क्योंकि अब जो है 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे में उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन लोकतंत्र है, लोगों ने वोट किया, जितने लोगों ने वोट किया उनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, शांति से चुनाव हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। बाकी जो पछुआ हवा की बात भाई ने कही है, वो पछुआ हवा में सूखता है, जब पछुआ हवा चलती है तो चीजें सूख जाती हैं, तो वो कई बार गड़बड़ भी हो सकता है, सुखाने के लिए पछुआ हवा, और पूरब की हवा जब चलती है जिसको पुरवाई बोलते हैं उसमें नम होती है, उसमें नमी होती है, उसमें ठंडक होती है, तो पता नहीं कौन सी हवा पर कौन किस पे भारी पड़ेगा, कौन किस पे हल्का पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, बताइए वोट कर रहे हैं। 2012 की तुलना में तब तो बेहतर ही लगा ही दिखाई दे रहा है मुझे, अगर 2012 की तुलना में देखा जाए तो 2012 से बेहतर दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि 65 के आसपास ये जाता हुआ दिख रहा है और फर्स्ट फेज का चुनाव है और ये अच्छा है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।